हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक आईपीओ क्या होता है, देन व्हाट इज़ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करने से पहले सेबी को सबमिट करती है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक आईपीओ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब किसी भी कंपनी को एडिशनल फंड रेज करना हो पब्लिक से, वो आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। तो हर कंपनी का फंड रेजिंग के पीछे पर्पज़ अलग अलग होता है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन या डेट पे ऑफ करना। सो व्हेन अ कंपनी हैज़ एनी ऑफ दीज पर्पज़ इन द माइंड, दे कैन कम अप विद एन आईपीओ टू रेज फंड्स। तो जब कोई भी कंपनी पब्लिक में फर्स्ट टाइम के लिए अपने शेयर्स इशू कर रही है, तब उसे हम आईपीओ कहते हैं। तो जब किसी भी कंपनी को उनका आईपीओ लॉन्च करना हो, तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है सेबी को, विच इज़ DRHP, एंड इट स्टैंड फॉर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी डिटेल्स होती है, जैसे कंपनी हिस्ट्री, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, फिर इंडस्ट्री, देयर बिजनेस, फ्यूचर प्लान्स, मैनेजमेंट, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर और द IPO। सो जब सेबी इस डॉक्यूमेंट को देखकर अप्रूव करती है, तभी जाके उस पर्टिकुलर कंपनी का लिस्टिंग हो सकता है। तो IPO जनरली मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम 10 दिन के लिए ओपन रहता है, जिसे हम इशू पीरियड भी बोल सकते हैं। नाउ लेट अस सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ IPO। सो IPO का सबसे पहला एडवांटेज है फंड रेजिंग, तो इससे कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन द नेक्स्ट इज़ पब्लिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो जब भी कंपनी IPO लॉन्च करती है, तब ऑटोमेटिकली कंपनी को पब्लिसिटी मिल जाती है। देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो IPO से पहले जब भी कंपनी को फंड रेज करना हो, तो वो यूजुअली लोन का ऑप्शन चूज़ करते थे, एंड लोन पे ऑफ करने के लिए यूजुअली कंपनीज को काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। सो एक बार कंपनी का IPO लॉन्च होने के बाद उन्हें एडिशनल कैपिटल मिलता रहेगा फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, विच इज़ ईजियर देन रेजिंग मनी थ्रू प्राइवेट फंडिंग। अब हम IPO के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। तो जब कोई भी कंपनी पब्लिक हो जाती है, देन दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू सेबी एवरी ईयर। तो कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे उन्हें एनुअल रिपोर्ट के साथ सेबी में भी फाइल करने पड़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ प्राइवेसी। सो पब्लिक कंपनीज़ को उनकी काफ़ी इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए रिवील करनी पड़ती है, जिससे उनके कॉम्पिटिटर्स को एक एडवांटेज मिल जाता है। जैसे उनको कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता चलता है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है, एंड अकॉर्डिंगली द कॉम्पिटिटर्स कैन मेक अ मूव। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ IPO। देन द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस प्रेशर। तो जब कंपनी पब्लिक हो जाती है, तो उन्हें काफ़ी प्रेशर रहता है, क्योंकि उन्हें हर क्वार्टर में परफॉर्म करना पड़ता है। नाउ लेट अस सी कि हम IPO को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ DMAT अकाउंट। तो आप आपके DMAT अकाउंट से IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो व्हेन यू लॉग इन टू योर DMAT अकाउंट हियर, यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ हेल्प मी टू इन्वेस्ट। उसमें आप IPO पे क्लिक करने के बाद जो भी करंट IPO चालू है, वो आपके स्क्रीन पर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, द रिसेंट वन इज़ श्रीराम प्रॉपर्टीज़ एंड रेड गेन। यहाँ हम इस IPO के सारे डिटेल्स को देख सकते हैं, जैसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, फेस वैल्यू, देन यहाँ नीचे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू डिड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियो अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे इन टच। दिस इज सांजली फ्रॉम UA कैपिटल। योर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट्स हियर।